आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं जूनागढ़ का भारत में विलय के बारे में। नवंबर 1947 को जूनागढ़ का भारत में विलय हुआ था। जूनागढ़ काठियावाड़ क्षेत्र की एक रियासत थी, जबकि अधिकांश अन्य रियासतें भारत में शामिल हो चुकी थीं। जूनागढ़ के शासक नवाब महाबत खान रसूल खान जी थे। मई 1947 में कराची के शाह नवाज भुट्टो जूनागढ़ के दीवान बने। उन्होंने 15 अगस्त को पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। हालांकि पहले उन्होंने संकेत दिया था कि जूनागढ़ का हित भारत में शामिल होने में है। जूनागढ़ के लोगों की लोकप्रिय मांग को पूरा करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान को विलय के संबंध में जूनागढ़ के लोगों के फैसले को स्वीकार करने और इसका पालन करने का प्रस्ताव दिया। नवाब के प्रति जूनागढ़ के लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा था और दिन प्रतिदिन स्थिति तनावपूर्ण होती जा रही थी। नेहरू जी के प्रस्ताव पर एक महीने से अधिक समय तक पाकिस्तान से कोई प्रतिक्रिया न मिलने के बाद भारत ने अपनी ओर से उपाय किए। जूनागढ़ के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की आशंका से नवाब अपने परिवार और अपने पालतू कुत्तों के साथ हवाई मार्ग से कराची भाग गए और 8 नवंबर को भारत सरकार को राजकोट में क्षेत्रीय आयुक्त के माध्यम से जूनागढ़ का प्रशासन संभालने को कहा। 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ का प्रशासन राजकोट आयुक्त M.N. बुच को सौंप दिया गया। भारत ने संकेत दिया था कि वो जनमत संग्रह के माध्यम से इस व्यवस्था को औपचारिक रूप देना चाहेगा। 20 फरवरी 1948 को ये जनमत संग्रह कराया गया। लगभग 2 लाख पंजीकृत मतदाताओं में से केवल 91 ने पाकिस्तान में विलय के पक्ष में वोट डाला और इस तरह लोगों की इच्छा से जूनागढ़ रियासत भारत का हिस्सा बन गई।